निज़ामी साहब एक शॉर्टली बता दें, कशकोल लेके हमें जाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, कारोबारी एक्टिविटी आपके सामने है, हल क्या है? कैसे इस कशकोल से जान छूटेगी? कशकोल के अलावा भी कोई ऑप्शन है? देखिए, बात यह कि पिछली हुकूमतें जो है वो बिड़ा कर रख कर गई, इससे आवाम का पेट भर सकते हैं? नॉट एट ऑल। और ये जो IMF की टीम आई हुई है जी, इसने कौम को तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, इसने सरकार को लगा दिया कि जनाब इतना डेफिसिट कम हो गया, करंट अकाउंट इतना ये हो गया उतना वो। यार लोगों को इससे दिलचस्पी नहीं है कि क्या हो गया डेफिसिट और ये और वो और फलाना, हो गया होगा जी। महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है निज़ामी साहब? महंगाई ज़्यादा हुई है, बेरोजगारी कम हुई, ज़्यादा हुई है बेरोजगारी, ज़्यादा हुई है बिजनेसमैन के मसाइल जो है कम हुए हैं, ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी रुक गई है, मसाइल बढ़ गए हैं, चल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही। ये तो अब वो आपने देखा होगा, मुझे मैं बड़ा हैरान होता हूँ भाई एक बात पे, इससे पहले कब के PTI के बड़े सपोर्टर होते थे मीडिया पे, बाज एंकर में नाम नहीं ले सकता जी जी जी, वो आजकल यार हम क्या बात करते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट कहते हैं अपने आप जी जी, जो वो उनके पीछे पड़े हुए, ये क्या हुआ वो? वैसे उन्होंने कोई अल्ट्रा यू टर्न ले लिया, दूसरी तरफ से निकला है वो, सूरज दूसरी तरफ से निकला है ये वैसे वो बड़ी आजकल खुल के बात कर रहे हैं और बड़ी वो खुला क्रिटिसिज्म करें, अच्छी बात है। निज़ामी साहब अगर कोई अपनी थॉट से रुजू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसूली मौकफ है। उसूली मौकफ है।